graphical representation of friction. So next part is graphical representation of friction. नफा जो कल फ्रिक्शन पढ़े से ना जो केड़ा बड़ा केड़ा छोटा है ना सब तो छोटा होता है रोलिंग फ्रिक्शन तो बड़ा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो बड़ा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन इन्हें दोनों का इकट्ठा नाम होता है काइनेटिक मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा है सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन लगा पता की कह रहे हैं हमें एग्जांपल देके समझाना जब बॉडी मोशन च है उस वेले फ्रिक्शन की होता है काइनेटिक When the body is in motion, friction kinetic है. Kinetic friction is less than static friction. जब तक static है तो body is at rest. So motion वाला friction छोटा होता है, rest वाला friction ज़्यादा होता है. Kinetic friction is further of two types. Kinetic friction is further of two types. Rolling friction and sliding friction. सब तो छोटा rolling friction, उस तो बड़ा sliding friction, सब तो ज़्यादा static friction. Examples सुनिए हम. जो तुम नवी नवी एक्टिवा सीखते हैं या मोटरसाइकिल चलाने वो उपर तीन बंदे बैठते हैं चाहे एक्टिवा चाहे मोटरसाइकिल जो तीन बंदे बैठे है हजे मोशन च नहीं आया जो बैठे हैं तो कई बार बैलेंस बिगड़ता है क्योंकि जो हजे बैठे हैं स्टार्ट करके मतलब एक्टिवा या मोटरसाइकिल स्टार्ट है पर अजे गेयर पाके रेस नहीं दिती रेस दोगे तो चलेगा जो हजे बैठे हैं यू आर एट रेस्ट तो कि फ्रिक्शन है स्टैटिक उस वेले बड़ा औखा जहा लगता कई बार बैलेंस नहीं बनता जो रेस देखो चल पिया इट इज इन मोशन फिर फ्रिक्शन है कनेटिक सो केड़ी चीज ईजी है जो बॉडी मोशन च आ गई वो ईजी है मोशन स्टार्ट करना मुश्किल है सो जो मोशन स्टार्ट करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो बॉडी मूव कर रही है तो कि फ्रिक्शन है कनेटिक फ्रिक्शन है सो इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट ए मोशन दैन टू कीप इट इन मोशन मतलब स्टार्ट करना मुश्किल है जो बॉडी मोशन जा गई फ्रिक्शन घट जाता हूँ जो तुम मतलब गर्ल्स की गल करता नवी नवी एक्टिवा सीखी है जो तो पिछले कोई बंदा बैठता है तो हैंडल माड़ा जहा हिलता है हजे रेस देन लगे हैं जो कोई बैठा है तो हैंडल हिलता है हैंडल भी भारा होता है वहीकल भी भारा होता है बिकॉज इट इज एट रेस्ट उस वे फ्रिक्शन कहता है स्टैटिक हाँ जो रेस देती चल पे जो रेस देती जो मतलब दो बच्चे एक्टिव होते जा रहे नवी नवी एक्टिवा सीखी है तो माड़ी जी रेस दोगे वो चलेगा जिदा जिदा तुम रेस दोगे मोशन च आएगा तो उन्होंने हैंडल करना भी ईजी हो जाता हैंडल भी हल्का हो जाता और तो बैलेंस भी बन जाता क्यों क्योंकि जो तो मोशन च आ गया तो फ्रिक्शन कहड़ा है कनैटिक कनैटिक फ्रिक्शन इज लैस कनैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक नालों छोटा होता है मोशन को स्टार्ट करना मुश्किल है फिर अगर आप तुरिया रहा क्लीयर हो गया ना पॉइंट हम तुम मैं क्या भी कल एग्जाम्पल दी बैड बॉक्स की जोर ती धक्का लाना बैड बॉक्स भरया हिलाना है एक बार हिलाना ही औखा है बस उस तो बाद माड़ जहा जोर लगाना उन्हें किन्ने खिसके जाना क्यों जो तो स्टार्ट किया लगता कि मूव कर लग गया तो कहड़ा फ्रिक्शन से स्टैटिक बड़ा जोर लग रहा पर जो तो फिर उस तो बाद माड़ा जहा हिलिया फिर तुम हल्की जी फोर्स लगाने उन्हें रुड़ जाना उन्हें स्लाइड कर जाना क्यों क्योंकि जो मोशन जा गया तो फ्रिक्शन काइनेटिक समझ गए कोई बहुत हैवी चीज है तुम धक्का ला रहे तो मूव करे जो तो रेस्ट किया तो पूरा जोर लग रहा कि फ्रिक्शन है स्टैटिक जब मूव कर गए तो फ्रिक्शन कहड़ा आ गया काइनेटिक सो मूव करने तो बाद जोर घट लगता है क्यों क्योंकि मोशन का फ्रिक्शन काइनेटिक है तो क्लियर हो गया भी बेड बॉक्स में चला मूव करके फोर्स लगा के मूव करना है पहले जो तो नहीं मूव कर रहा था तो तीन चार बच्चे ने पूरा जोर लगाता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है बस जिद माड़ जहाँ मूव किया फिर उन्होंने हल्की जी फोर्स लगानी है वो आप ही खिसके जाता फिर वो मोशन च आ गया क्योंकि मोशन के लिए फ्रिक्शन है काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस दैन स्टैटिक फ्रिक्शन हम तो क्लियर है हाँ जी सब तो छोटा कि फ्रिक्शन है रोलिंग रोलिंग तो वड्डा स्लाइडिंग हुण देखो जो तुहाडा वहीकल है किसी भी वहीकल की गल करो कार या एक्टिवा है वो टायर है
टायर्स हवा प्रॉपर है, टायर्स पूरी हवा पर ही हुई है, तो व्हीकल बड़े आराम ना रोल करता है, टायर बड़ा इजीली रोल करता है, क्योंकि जो रोल करेगा तो केड़ा फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन। टायर्स हवा कट गई या टायर पंचर हो गया, फिर टायर ने रोल नहीं करना, फिर टायर की करेगा स्लाइड करेगा, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हुन आप दसो जो टायर पंचर हो गया उदो मुश्किल है उन्होंने ले जाने के रोलिंग स्लाइडिंग वाले, जो टायर पेंचर हो गया फिर टायर जरा रोड के उपर वो रोल नहीं करेगा, वो की करेगा स्लाइड करेगा, जो टायर है वो रोल नहीं करेगा वो स्लाइड करेगा, टायर किसड़ेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उस वे आया वो ज्यादा होंगे है, लेकिन जो हवा भरी हुई है तो रोल करेगा। सो रोल करना ईजी है, स्लाइड करना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन घट हों, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होंगे। इन्हों का इकट्ठा की नाम है कनेटिक फ्रिक्शन। कनेटिक फ्रिक्शन इज लैस दैन स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन सब तो छोटा रोलिंग फ्रिक्शन, उस तो बड़ा स्लाइडिंग, उस तो बड़ा स्टैटिक। उनका क्लियर हो गया, व्हीकल के टायर हवा पूरी है तो बड़ा इजली रोल करेगा क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन है, हवा घट गई है टायर पंचर हो गया तो रोल नहीं करूगा, उस किसड़ूगा, उस स्लाइड करूगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर। सो सब तो छोटा रोलिंग फ्रिक्शन है, उस तो बड़ा स्लाइडिंग है, सब तो बड़ा स्टैटिक है। उन्होंने आप ग्राफ के बीच शो करा लगे, देखो ठीक है। देखो जी नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन। आ तुम्हें सारा समझाता, जो बॉडी रेस्ट च है तो कि फ्रिक्शन होंगे स्टैटिक, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन फ्रिक्शन इज कनेटिक, रेस्ट वाला फ्रिक्शन स्टैटिक है, मोशन वाला फ्रिक्शन कनेटिक है, कनेटिक फ्रिक्शन इज लेस दैन स्टैटिक फ्रिक्शन, एक्सप्लेन करता। तो हम इन्हों का ग्राफ ड्रॉ करना है, इधर अप्लाइड फोर्स है, इधर फ्रिक्शन, ठीक। हम तो मैं बेड बॉक्स वाली एग्जाम्पल तो ही करवा देना, एग्जाम्पल बेड बॉक्स वाले तो बड़ा इजीली हो जाना। हूँ कोई बेड है या बेड बॉक्स है, आपकी सपोर्ट है, डबल बेड है, पूरी तरह वो यानी कि भरिया उन्होंने हिलाना मुश्किल है। एक बच्चे ने आके उन्होंने पुश किया, इधर एक बच्चे उन्होंने पुश करेगा तो वह नहीं बेड हिल रहा, क्योंकि उन्ना ही पिछे नूं की मिल रहा है फ्रिक्शन। छोटा बच्चा है 5-6 साल का, उदा कोई भैन भरा होर भी छोटा है, वह भी उन्हें भी ना लाके जोर लगाता, जो उन्हें जोर लगाया एफ इनक्रीज हो गया, जिन्ना एफ इनक्रीज होया उन्ना ही पिछे की इनक्रीज हो गया फ्रिक्शन, क्योंकि वह जोर लगा रहे हैं, बैड तो हिलता ही नहीं, बिकॉज बैड इज एट रेस्ट, बैड बॉक्स पूरी तरह भरया हुआ। जे एक बच्चा फोर्स लगा रहा तो उन्ना ही पिछे मिल रहा फ्रिक्शन, जो दूसरा लगा रहा उन्ना ही पिछे मिल रहा फ्रिक्शन, मतलब जिदा यदा अपलाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं फ्रिक्शन भी की हो रहा है इनक्रीज। यदा मतलब है F and F are proportional when the body is at rest. जब तक body move नहीं करती, body rest चाहे, तो जितनी ज़्यादा applied force उतना ज़्यादा friction, because they are equal and opposite, body motion च नहीं है, body is at rest. जितनी ज़्यादा applied force है उतना ज़्यादा की है friction, they are proportional. So graph between them is a straight ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ पढ़िया स्टेट लाइन्स भी कराए थे, फिर 10th तक 9th तक ओम्स लॉ भी पढ़िया होना, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू I R, सो ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ए स्ट्रेट लाइन, कीता होना जरूर ओम्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू I R, जो प्रोपोर्शनल है ना ग्राफ केड़ा होना स्ट्रेट लाइन, वही आ चीज है। जिन्नी फोर्स अप्लाइड इंक्रीज करोगे उतना ही फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब दे आर प्रोपोर्शनल, सो दोनों प्रोपोर्शनल है, ग्राफ बिटवीन देम इज ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। सो बॉडी इज एट रेस्ट, जे रेस्ट जाता केड़ा फ्रिक्शन हो गया, दैट फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, ए ग्राफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। फिर वही दोबारा बेड बनाने, डबल बेड है, हम बच्चे दो बच्चे ने जोर लगाया सी, तीसरे बच्चे ने आके जोर लगाता, मतलब कोई घर च हो रहा है फादर है या मदर च कोई आ गया, तिना ने रल के फोर्स लगाई, तिना ने हम लगता कि बैड हिलन लगा है, लग रहा कि वो मूव करेगा, जो मोशन च आया नहीं है, लगता कि बस वो खिसकन लगा है, तो जिनी अपलाइड फोर्स है उन्ना पिछे की है फ्रिक्शन, हूँ लगेगा कि मोशन च आ जाएगा, हूँ मोशन च आने लगा है, रेस्ट से ही है, पर लग जो तीसरे बंदे ने जोर समझ लग जाता ना पता, जो तीसरा बंदा भी जोर लगा रहा है हूँ लगता कि बस हिलन लगा, इट सीम्स टू बी मोशन, लग रहा है कि मोशन च आ जाएगा, इट सीम्स टू कम इन टू मोशन, लग रहा है कि मोशन च आ जाएगा लेकिन है रेस्ट चाहिए, यानी कि हम स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम सी,
देखो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम है, दैट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, कंप्रेशन लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी रेस्ट ज्यादा केटा फ्रिक्शन है स्टैटिक। मतलब दो बच्चे ने जोर लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन है। उन्होंने फादर या मदर जो भी को नाल आ गया, फादर या मदर जो कोई नाल आया, उन्होंने भी जोर लगाया, हम बस लग रहा है कि बेड खिसक जाएगा, लग रहा है कि मोशन आ जाएगा, लेकिन हरे हैगा रेस्ट चाहिए। इनके ऐसे वाले स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम है, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है, अप्लाइड फोर्स दे नाल फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, इतने आके स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम है। जे मैक्सिमम है दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक, हम बस उन्होंने थोड़ा जहा होर जोर लगाया तो इन्होंने माड़े जो टूक, हम बड़ा उदो बंदा मोटिवेट हो जाता, वाह भी कमाल है, हूँ तो आप जोश आ गया कि बैड हिल हिला देना आप, क्योंकि बैड नीचे कुछ आ गया से सफाई करनी सी। उन्होंने माड़ा जहा होर जोर लगाया तो बैड मोशन च आ गया। जो तो मोशन च आ गया तो कौन सा फ्रिक्शन है? कनेटिक। कनेटिक फ्रिक्शन इज लैस दैन स्टैटिक, इस करके थोड़ा नीचे शो किया। सो जो बैड मोशन च आ गया उस वेले कौन सा फ्रिक्शन है? कनेटिक फ्रिक्शन, बैड इज इन मोशन। रेस्ट से तो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक दी मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो तो बेड मूव कर गया, मोशन च आ गया, तो उस वेले फ्रिक्शन घट जाता, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स घट है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स घट गई है दैट इज कॉल्ड कनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक नालों छोटा होता है, सो उधर नालों डाउन शो किया, बस इन्हें तो जान कर। ऐसा नहीं कि बेड जंप करके चले गए, बेड ने जंप नहीं किया, बैड जंप नहीं की, सिर्फ उन्होंने ग्राफ में शो करने कट्ठिया ज्वाइन किया और कुछ नहीं किया। आ जो पॉइंट है ना, सिर्फ आ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, आ एर कर्व इस करके बनाई है कि ग्राफ पूरा बन जाए। ये नहीं कहना भी बैड नीचे नू आ गए, रेस्ट से फ्रिक्शन ज्यादा सी, मोशन ज्यादा, फ्रिक्शन घट गया, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होंगे, कनेक्टिव फ्रिक्शन घट है, कनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक नालों घट है, इसलिए ऐसा कर्व शो की कि कनेटिक फ्रिक्शन नालों छोटा लगे। अब तो सिर्फ ग्राफ को कंप्लीट करने लिए ज्वाइन किए, तो कोई उदा मतलब नहीं है। हम लगे समझ, ये सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज के टॉपिक से, ये पहले पेज के ऊपर है। नेक्स्ट टॉपिक, सो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसका नेक्स्ट व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। प्रूव दैट दे आर इक्वल, सिंबल अल्फा बीटा गामा थीटा फाई जो मर्जी यूज कर लो, अल्फा बीटा गामा थीटा फाई जो तुहाडा मन करदा एंगल दा सिंबल बदले जा सकदे। इहदे विच वी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की है, एंगल ऑफ रिपोज की है, प्रूव दैट दे आर इक्वल, पूरा इकट्ठा क्वेश्चन आना ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो पहले की पढ़ा लग गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देखो जी डायग्राम। आ एक ब्लॉक है, ब्लॉक दा वेट इट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउन, जिथे मर्जी ब्लॉक पे है, ये हॉरिजेंटल सरफेस है, ये हॉरिजेंटल सरफेस पे एक ब्लॉक पिया है, हॉरिजेंटल सरफेस पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है m, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, पहली फोर्स है। जिस सरफेस पे बॉडी पे है, बॉडी पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, जिस सरफेस पे बॉडी पे है, बॉडी पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो 90 डिग्री पे, दैट विल गिव यू नॉर्मल रिएक्शन। सो बॉडी दे वेट नु कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। बॉडी जिस सरफेस पे बॉडी पे है, तो पर एक नॉर्मल ड्रॉ करता, वो दोनों नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन दे। ठीक है, हम तो सी इधर नु फोर्स लगानी है ऊपर, इधर ऊपर इधर नु अप्लाइड फोर्स है, इधर नु अप्लाइड फोर्स है, इट मींस मोशन इधर नु होएगा। सो इधर नु अप्लाइड फोर्स है, इधर नु मोशन है, तो मोशन के ऑपोजिट मिलेगा फ्रिक्शन। एदर नो अप्लाइड फोर्स लगाऊंगे कि ब्लॉक मूव करे, सो एदर नो अप्लाइड फोर्स लगाई मोशन, मोशन के ऑपोजिट मिल गया फ्रिक्शन। कंप्लीट द पैरेललोग्राम, हां जी, जिन्होंने वेक्टर नहीं किया तो आपका लग सकता है वेक्टर वाला चैप्टर का कांसेप्ट है, पैरेललोग्राम लॉ। इधर अप्लाइड फोर्स लगाई, इधर मोशन है, तो मोशन के ऑपोजिट मिलेगा फ्रिक्शन। कंप्लीट द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। अब दोनों साइड्स हो गई एडजेसेंट, दोनों का रिजल्टेंट की है, सपोज की होगा, दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। कंप्लीट द पैरेललोग्राम,
दोनों साइड्स हो गई है एडजेसेंट, दोनों का रिजल्टेंट कौन देगा? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, लेट इट इज इक्वल टू आर डैश। जेड़ा एंगल आर और आर डैश बनेगा, आर और आर डैश, दैट इज कॉल्ड थीटा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ जी, मैं सारा समझा लगा पूरा ध्यान दिए होने करना।